श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी लंबित मामले 3 महीने में निपटाए मथुरा कोर्ट, इलाहाबाद HC का फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में बड़ा फैसला देते हुए मथुरा अदालत को यह निर्देश दिया है कि वह सभी लंबित मामले 3 महीने में निस्तारित करे। यह आदेश जस्टिस बिपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य के प्रार्थना पत्र पर दिया। इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल व शशांक सिंह ने बहस की थी। इस मामले में याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक रिसर्च और सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है, जिस पर विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर आपत्ति दाखिल की है। मथुरा कोर्ट ने कोई आदेश देने के बजाय लटकाए रखा है, इसलिए 14 अप्रैल 2021 को दाखिल अर्जी को तय करने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अर्जी और आपत्ति का निस्तारण करने का आदेश मथुरा अदालत को दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, साथ ही उसकी पोषणीयता पर भी सवाल उठाया था। मतलब यह याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं, इस पर हिंदू पक्ष ने मथुरा में दाखिल याचिका की जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इसी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 3 अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। 2020 में याचिका खारिज हो गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग बहुत पुरानी है। साल 2020 में कोर्ट ने मस्जिद हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है। 2.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। याचिका में दावा किया गया कि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वहीं पर कारागार मौजूद है, उसी कारागार में भगवान कान्हा का जन्म हुआ था। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है। दमदार खबरों के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों के खबरें देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।